बार स्वागत है आपका हम आपका यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। राजनगर के सतघारा में पंचायती सरकारी भवन निर्माण के लिए जमीन तलाश की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इसके लिए राजनगर प्रखंड उद्यान विभाग के नर्सरी से पूरा भाग में स्थित सरकारी भूखंडन का चयन किया गया है। शिलानाथ धाम में जलाभिषेक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग शाखा लिमिटेड लदनिया के लिए 19 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए हैं। इसमें 971 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगातार प्रचंड हो रही गर्मी के कारण सरकारी व निजी स्कूलों बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है। गर्मी में बच्चे की बीमारी पड़ने की आशंका से अधिकांश अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। सकरी मधुबनी मुख्य सड़क पर पंडौल बाजार में मछट्टा चौक सहित सूरज नारायण सिंह चौक, कर्पूरी चौक, हॉस्पिटल चौक तथा हनुमान मंदिर के पास लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। पंडौल बाजार में लगातार जाम से दुकानदार और यात्री भी परेशान है। भागलपुर में कोरोना विस्फोट, हेल्थ मैनेजर समेत 23 पॉजिटिव, 2 की हुई मौत। राजीव नगर के गृह निर्माण समितियों की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। मोकामा स्टेशन पर पटना से हटिया जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इसको लेकर ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। पूर्वी चंपारण में जमीन के लिए चाचा की गला दबाकर हत्या, बगीचे में फेंका मिला शव। बिहार की राजधानी पटना में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्य गंगा नदी में डूब गए। इन सभी को डूबता देख स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक महिला और उनके बेटे को सुरक्षित बचा लिया। कैमूर समकालीन अभियान के तहत रामगढ़ सदर थाना क्षेत्र के तरैथा गांव से एक मारपीट के मामले में फरार चल रहे वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी तरैथा गांव निवासी केशव सिंह है। तारकिशोर प्रसाद ने द्रौपदी मुर्मू को बताया सशक्त उम्मीदवार। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के पाली पंचायत भवन के पास पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट चुकी है। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र के पुलिस बस पलटने से 13 जवान घायल हो गए। मुजफ्फरपुर से जमुई जाने के दौरान चालक को नींद की झपकी लग गई, इसी कारण यह हादसा हुआ। पटना जिले में 130 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जो कि पिछले एक सप्ताह की तुलना में कम है। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 1302 पहुंच गई है। इनमें सबसे अधिक 72 युवक हैं और 16 किशोर शामिल हैं। मार्केटर अलवा होंगी विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार शरद पवार ने किया ऐलान। श्रीलंका संकट पर भारत सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। पुलवामा सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान हुआ शहीद। सिंगापुर दौरे की फाइल क्यों अटकी है, सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी से सवाल। पटना, बेगूसराय, नालंदा समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का हुआ अलर्ट। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजद के पूर्व विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, आरोपी बोला मैं निर्दोष हूँ। आरा में 12 घंटे के भीतर माँ बेटे सहित 3 लोगों की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। आटा चक्की चलाने वाले की पत्नी बनी बिहार पुलिस में दरोगा, शादी के 13 साल बाद 2 बच्चों की माँ ने किया कमाल। 5 साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चे को 19 साल बाद मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। बिहार पुलिस हुई अलर्ट, आतंकियों के निशाने पर शिव भक्त, बढ़ाई गई कांवरिया पथ और मंदिरों की सुरक्षा। पीएम मोदी आज करेंगे NIIO सम्मेलन को संबोधित, नौसेना से जुड़े कई मुद्दों पर रहेगा विशेष जोर। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहें।